भाइयों और बहनों, कांग्रेस बरसों पहले जमीन से इतना कट चुकी है कि उसे देश के लोगों की भावनाएं, देश के लोगों की जरूरतें समझ ही नहीं आ रही है। एक परिवार की गुलामी, उस परिवार का हुक्म मानने की, यही कांग्रेस की सच्चाई बन गया है। यहां छत्तीसगढ़ में भी जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली से तय हो रहा है, वरना क्या कारण है कि जो आयुष्मान भारत योजना यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान दे रही थी वो अचानक बंद कर दी गई। भाइयों और बहनों, गरीबों से 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा छीनना ये बहुत बड़ा पाप है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं है? ऐसा पाप करने वालों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, एक और योजना है, पीएम किसान योजना। इसके तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए जमा करा रही है। छत्तीसगढ़ के भी 35 लाख छोटे किसान परिवारों को इसका लाभ मिलना तय है, लेकिन यहां पर अभी बहुत ही कम किसान परिवारों को पहली किस्त मिल पाई है। इसलिए नहीं कि चौकीदार की सरकार भेजना नहीं चाहती है, इसका कारण यह है क्योंकि यहां जो सरकार में बैठे हैं, जमानती लोग जो यहां बैठे हैं, उनको लगता है अगर चौकीदार के द्वारा भेजे गए 75,000 करोड़ रुपए की रकम में से छत्तीसगढ़ के हिस्सा अगर मिल जाएगा तो उनकी नैया डूब जाएगी। ये अपनी नैया बचाने के लिए हमें किसानों की सूची नहीं दे रहे। मुझे बताइए, ये किसानों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपके साथ विश्वासघात है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, लोगों के साथ विश्वासघात करने में, उन्हें धोखा देने में कांग्रेस को दशकों का अनुभव है। पीएचडी कर लिए उन्होंने, और एक नहीं, हर छोटे बड़े ने पीएचडी कर लिए। कांग्रेस की न नीयत साफ रही है और न ही नीतियां। एक बार दिल्ली में अगर मजबूर सरकार बन गई तो इनको तो बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। फिर तो कोयला खानों की बंदरबांट करेंगे। याद करिए, 2014 से पहले इन्होंने यही किया था। लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला, कोयला घोटाला किया, आदिवासी क्षेत्रों में लूट की खुली छूट दे दी। ना आदिवासियों को कुछ मिला, ना देश के खजाने में कुछ आया। सब पर कांग्रेस के पंजे ने झपटा मार दिया। भाइयों और बहनों, इनकी साजिश सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि इससे भी गंभीर है। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। अभी हमारे अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने यही काम किया है। इसी तरह जो यूरिया है, जो सस्ता राशन गरीबों को मिलता है,
ऐसी सरकारी सहायता को ये बंद करने का मन बना चुके हैं। जो हमारे जवानों की सुरक्षा छीने, जो हमारे किसानों को मिलने वाले पैसों को रोके, जो हमारे गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा छीने, ऐसी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जितना जल्दी निकालोगे भाई, उतना छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा।